नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। किसान रतन मंडल हत्याकांड का 12 साल बाद आया फैसला, कोर्ट ने 5 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। पदभार ग्रहण करते ही एक्शन में दिखे कुलपति, कई विभागों का किया औचक निरीक्षण, कर्मियों में मचा हड़कंप। भय के माहौल में पढ़ने को बीवे से एसएम कॉलेज की छात्राएं, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। बांका में बेखौफ अपराधियों ने सीएसपी संचालिका से 1 लाख रुपए लूट की घटना को दिया अंजाम, जांच में जुटी पुलिस। और भागलपुर में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में लगी आग, 1 लाख रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। और अब खबरें विस्तार से। रास्ता विवाद को लेकर की गई हत्या के मामले में मंगलवार को भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजी 6 रोहित शंकर की अदालत ने 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दरअसल मामला नाथनगर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र की है। अपर लोक अभियोजक जयकरण गुप्ता ने कहा कि 11 नवंबर 2007 को लालूचक गांव निवासी किसान रतन मंडल जब अपनी पत्नी के साथ घर में सोया था, तभी आरोपी प्रयाग मंडल, प्रेमलाल मंडल, भदेश मंडल, मुलही मंडल उर्फ नरेश मंडल और मंटू मंडल ने घर में घुसकर दोनों के साथ मारपीट की और रतन मंडल की हत्या धारदार हथियार से गला रेत कर कर दी। एपीपी ने कहा कि आरोपियों ने रतन मंडल की हत्या के बाद उसकी पत्नी शीला देवी को अपने साथ ले जाकर मारपीट की और खेत में फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। रतन मंडल के पिता धन्नी मंडल ने घटना की प्राथमिकी मधुसूदनपुर थाना में दर्ज कराई, जबकि चश्मदीद गवाह शीला देवी के बयान के आधार पर 5 आरोपियों को कोर्ट ने सोमवार को दोषी माना और मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा का ऐलान किया। इस दौरान सभी दोषियों के परिजनों में मायूसी देखी गई। रात की घटना है, मिस्टर रतन जो है अपनी पत्नी के साथ सोई थी, मुद्दालय लोग पहुँचो जो है घर में घुस के उसके पति को हाथ पकड़ा, को पैर पकड़ा, को छाती पर चढ़ा और हंसपास उसको रेत के गला काट दिया, उसी से उसका डेथ हो गया। और उस शीला देवी जो उसकी पत्नी थी, उसके मुंह में कपड़ा ठूस के, बगल में कुबीवाड़ी था वहाँ ले गया और इतना मार मारा कि वो बेहोश हो गए। 2-3 दिन के बाद जो है 14 तारीख को होश हुआ, तब वो हॉस्पिटल में बयान दी थी। और इतना दिन हो गया, गवाही सब कंटेस्टेड गुजरा था, लेकिन आई विटनेस जो था वही शीला देवी थी, उसकी पत्नी। बाद में तो सब फिर कुबीवाड़ी में जाके देखा था, इसी के आधार पर दोषी पाया गया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विभास चंद्र झा मंगलवार को एक्शन में दिखे। कुलपति ने प्रति कुलपति प्रोफेसर रामेतन प्रसाद के साथ संयुक्त रूप से प्रशासनिक भवन के कई विभागों का औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कुलपति ने परीक्षा विभाग, इंजीनियरिंग सेक्शन, RTI, स्थापना शाखा, लीगल सेक्शन, पेंशन शाखा समेत सभी विभागों में जाकर कर्मचारी और अधिकारी से कार्यों की जानकारी ली और संचिका का निष्पादन तेजी से करने की बात कही। वहीं कुलपति ने इंजीनियर मोहम्मद हुसैन को कैंपस के सौंदर्यीकरण करने का निर्देश दिया और कहा कि बेहतर कार्य करने वालों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसके बाद कुलपति ने इंजीनियर मुरारी मिलन अरुण से बायोमेट्रिक अटेंडेंस की जानकारी ली और कर्मियों की उपस्थिति को राजभवन से लिंक करने का निर्देश दिया। इंजीनियर ने बताया कि अब तक 12 कॉलेज और 2 दर्जन से अधिक पीजी विभाग में बायोमेट्रिक मशीन लगाया जा चुका है। कुलपति के निरीक्षण के दौरान प्रोफेसर भास्कर पाठक भी मौजूद थे। वहीं कुलपति ने कहा कि नियम का पालन नहीं करने वाले लापरवाह कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पेपर को अच्छे से स्क्रूटनी करें, अच्छे से फिर उसका जो है जो भी निर्णय रूल्स रेगुलेशन के अंतर्गत उसको सही जो है उसके निर्धारण करें, जो उसके निर्णय होना चाहिए। इसके लिए और जो परीक्षा विभाग की अनुशासन है, गोपनीयता है, वो मेंटेन ये और सभी बच्चों का रिजल्ट टाइम पे, परीक्षा जैसे समाप्त हो जितना जल्दी हो उतनी जल्दी सभी का परीक्षा विभाग का गोपनीयता अच्छे से निभाएं,
आपका रोल है, कॉन्फिडेंशियल मीन्स बिल्कुल विश्वविद्यालय तो जी जी, तो विश्वविद्यालय का अगर परिसर सुंदर दिखने मिला, वातावरण सुंदर, वातावरण सुंदर, तो बच्चों में शिक्षकों में और भी पढ़ाने की क्षमता बढ़ेगी और ये बहुत जरूरी है। भागलपुर एसएम कॉलेज की छात्राएं इन दिनों भय के माहौल में पढ़ाई कर रही है। भय किसी चोर बदमाश का नहीं बल्कि कक्षा में प्रवेश के पूर्व बरामदे की जर्जर छत का है जो कभी भी गिर सकता है। इस कारण हमेशा छात्राएं छत के गिरने की आशंका से ग्रसित रहती है। इसके बावजूद कक्षा करने के लिए छात्राओं को उसी रास्ते से गुजरना मजबूरी है। कॉलेज की छात्रा ने बताया कि पिछले कई दिनों से छत जर्जर है लेकिन कॉलेज प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं जब छत की स्थिति को लेकर प्राचार्य डॉक्टर अर्चना ठाकुर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के इंजीनियर को इसकी जानकारी दी गई है और जल्द ही मरम्मती कार्य करा दिया जाएगा। बार बार बारिश के पड़ने के कारण और जम जम के और थोड़ा थोड़ा गिरते रहता है और बार बार यहाँ के मैम लोग नहीं जानते कि है ना कि गिर रहा है, क्या हो रहा है और ये इसके बारे में कोई किसी को पता ही नहीं चलता है। ये 57 का बना हुआ बिल्डिंग है, टाइम टू टाइम इसके रिपेयर होते रहते हैं। तो अभी चूंकि 3-4 दिन लगातार बारिश हुई थी तो मैंने जब राउंड लगाया तो देखा कई जगह ऐसे छत हैं जिस पर पानी का जमाव है, तो उनको हटाना ज़रूरी है ताकि कोई बाद में कोई हादसा ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए। इसीलिए मैंने लेबर मिस्त्री रखा है और ऊपर का 2 कमरा है उसको भी मिस्त्री लेबर लगा के उसको झड़वा के उसका रिपेयर होगा। नीचे पोर्टिको में भी बड़ा पोर्शन मुझको दिख रहा था जो कि मैंने तोड़ा है। समस्या ये है कि मैंने इंजीनियर को बुलाया है, इसको पूरी तरह ढलैया किया जाए या उसको रिपेयर किया जाए। बांका के कटोरिया थाना अंतर्गत कटोरिया बांका मुख्य मार्ग पर कैथापुरा गाँव के समीप मंगलवार को दिन दहाड़े बाइक सवार लुटेरों ने CSP संचालिका ममता देवी से 99,500 रुपये लूट लिए। ममता देवी कटोरिया के बहदिया गांव में यूको बैंक का CSP चलाती है और घटना के वक्त बाइक पर सवार होकर राधानगर से वह बहदिया गांव जा रही थी। तभी पीछे की ओर से आ रहे बाइक सवार बदमाशों ने ओवरटेक कर रुपये से भरा बैग लूट लिया। ममता देवी ने कहा कि बैग में रुपये के अलावा एक लैपटॉप एवं कुछ अन्य सामान भी था। बताया जा रहा है कि एक बदमाश की पहचान कर ली गई है। घटना की सूचना मिलते ही कटोरिया थाना पुलिस लुटेरों की गिरफ्तारी एवं मामले की छानबीन में जुट गई है। वह जंगल में हम जा रहे थे बहदिया, रास्ता में एक दो बाइक वाला मिल गया था और उसमें बैग लैपटॉप जो सामान था वो सब छीन करके चला गया। भागलपुर के नाथनगर वार्ड संख्या 5 मोमिन टोला में मंगलवार की सुबह खाना बनाने के दौरान गैस रिसाव होने के कारण अचानक आग लग गई। आग लगते ही घर में अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाकर घर से बाहर भागने लगे। इस दौरान आग की लपटें चारों ओर फैल गई जिससे घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं स्थानीय लोगों की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया। पीड़ित मोहम्मद मुन्ना ने कहा कि पत्नी खाना बनाने के लिए गैस चूल्हा जला रही थी, उसी दौरान आग भभक गया और पूरे घर में फैल गया। घटना में करीब 1.5 लाख रुपये मूल्य का सामान जलकर नष्ट हो गया है। सिलेंडर में जो है सर, हम यहाँ पर नहा रहे थे, खाना बना रहे थे, जैसे वो जलाई इसने वजह से भगक गया, आग भगड़ा तो वो दौड़ती भी बाहर निकली, देखिए क्या हुआ। सिलेंडर निकाले और कोशिश किया, हमारे मुंह में भी भभक लगा, हम छोड़ दिया, बाहर दौड़े तो बाहर से हमारा सब महल्ले का आदमी दौड़ा, बालू ले लेकर हम लोग दौड़े, सब जल्दी जल्दी सिलेंडर बाहर किया, सब महल्ले का आदमी मिलकर हमारा घर ले जाए। सिलेंडर में लीकेज वगैरह होगा, उसी बुनियाद से आग लगा। औरत जो है चूल्हा पर बर्तन रख के चली गई, कोई अंदाज मिला उसको ने, उसके बाद एकाएक आग पकड़ लिया, उससे जो है पूरा घर द्वार जल गया, लगभग 2-2.5 लाख रुपया का नुकसान हुआ। पूरा समाज का लोग पानी का अपने घर हर घर से ला के उसको जला बुताया और यहाँ पर जितना भी पियाऊ का पानी था सारा लगा के उसको किसी तरह आग को बुझाया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे देशव्यापी सदस्यता अभियान को लेकर मंगलवार को सूबे के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल बांका के पंजवाड़ा पहुँचे। मंत्री ने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान चलाकर संगठन को मजबूती प्रदान करने की बात कही। भाजपा कार्यकर्ता अमरकांत जायसवाल के आवास पर आयोजित सदस्यता अभियान में मंत्री रामनारायण मंडल की मौजूदगी में दर्जनों पुरुष एवं महिलाओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। वहीं इस दौरान
दौरान मंत्री ने ग्रामीण की समस्या भी सुनी और उसके अविलंब निष्पादन कराए जाने का भरोसा फरियादियों को दी। पंजवारा अस्पताल में नियमित रूप से एक चिकित्सक की तैनाती करने और निर्माणाधीन पंजवारा धौरैया मुख्य मार्ग पर महादलित टोला के समीप बन रहे नाले से संबंधित ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने का मंत्री ने आश्वासन दिया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष विकास सिंह, बाराहाट प्रखंड के BDO शशिभूषण साहू, भाजपा नेता राममोहन ठाकुर, सुभाष शाह, उज्जवल सिन्हा एवं मुखिया भोला पासवान समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर सुंदरवती महिला महाविद्यालय की छात्राओं की पढ़ाई अब डिजिटल तकनीक से होगी। इसको लेकर मंगलवार को स्मार्ट क्लास का शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर अर्चना ठाकुर, CCDC प्रोफेसर KM सिंह, डॉक्टर मिथिलेश कुमार तिवारी, प्रोफेसर माला सिन्हा और इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर सराहा नसरीन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद स्वयंप्रभा कोर्स के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर मिथिलेश कुमार ने छात्राओं को पोर्टल की विस्तार से जानकारी दी और पोर्टल पर ऑनलाइन नामांकन करने के तरीके भी बताए। वहीं प्राचार्य डॉक्टर अर्चना ठाकुर ने कहा कि स्वयंप्रभा के माध्यम से पढ़ाई के साथ छात्राएं 3 से 6 माह का कोर्स कर रोजगार से जुड़ सकती है। ना रोजगार भी करना चाहे उसके लिए कोर्सेज उन्होंने शुरू किया है जो स्वयं और स्वयंप्रभा के अंतर्गत दिया गया है। इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चे कॉलेज में पढ़ाई करते करते 3 महीने के 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स करेंगे जो रोजगारोन्मुख होगा, यानी वो पास आउट होते होते में कोई ना कोई छोटी नौकरी बड़ी नौकरी उनको मिल जाएगी। मेन हमारे यहाँ जो बेरोजगारी की समस्या है उसको ध्यान में रखते हुए उसको दूर करने के लिए ये योजना बनाई गई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूर्णतः सफल होगा और हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या का बहुत कुछ अंत होगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सिल्क TV। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर, स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर, मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, MS ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। भागलपुर के कलगांव में श्री बाबा बटेश्वर नाथ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि श्री बाबा बटेश्वर नाथ पहुँच कर आयोजन को सफल बनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप देख रहे सिल्क TV। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नौगछिया अनुमंडल के गोपालपुर पचगछिया में कब्रिस्तान एवं महावीर स्थान की जमीन को लेकर 2 दशक से दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा है।
तनाव की स्थिति को देखते हुए मौके पर पहुंचे एसडीओ मुकेश कुमार ने निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए सभी प्रकार के निर्माण पर रोक लगा दिया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सोमवार की सुबह कब्रिस्तान से सटे अपने निजी जमीन की घेराबंदी करवा रहे विभूति यादव के पिलर को कुछ लोगों ने उखाड़कर फेंक दिया, जिसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को नियंत्रित किया। एसडीपीओ प्रवेंद्र भारती ने कहा कि इस तरह की घटना सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। वहीं एसडीओ ने कहा कि धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने मंगलवार को बीकॉम पार्ट 3 का रिजल्ट जारी कर दिया। प्रति कुलपति प्रोफेसर रामेतन प्रसाद ने रिजल्ट जारी करते हुए कहा कि स्नातक का सत्र नियमित हो चुका है। वहीं प्रति कुलपति ने बताया कि बीकॉम के रिजल्ट में किसी भी छात्र का पेंडिंग रिजल्ट नहीं है। भागलपुर के जगदेशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरैनी बाजार में बाइक सवार मोहम्मद एजाज को तेज गति से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे मोहम्मद एजाज का पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। घटना से आक्रोशित लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़कर पिटाई कर दी और भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही जगदेशपुर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से जाम हटाने को कहा, जिस पर ग्रामीण नहीं माने। इसके बाद हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को अतिरिक्त सुरक्षा बल बुलाना पड़ा, जिसके बाद मुखिया मुकेश मंडल और पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। वहीं घायल मोहम्मद एजाज को इलाज के लिए भागलपुर अस्पताल भेज दिया गया। कहलगांव अनुमंडल के सनौला प्रखंड में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ग्रामीणों के बीच गैस सिलेंडर का वितरण किया गया। सनौखर शिव मंदिर स्थित तैलौधा पंचायत भवन में मुखिया शिव कुमार शाह ने लाभुकों के बीच सिलेंडर, चूल्हा और रेगुलेटर वितरण किया। इस मौके पर मुखिया शिव कुमार शाह ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं को खाना बनाने में आंसू नहीं बहाना पड़ेगा। इस अवसर पर प्रॉप राइटर पवन कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से मंगलवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया। भागलपुर के एसएम कॉलेज में आयोजित प्रवेश पूर्व परामर्श कार्यशाला में इग्नू की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर सराहा नसरीन ने छात्राओं को इग्नू द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कोर्सों की जानकारी दी। वहीं प्राचार्य डॉक्टर अर्चना ठाकुर ने कहा कि इग्नू का कोर्स कामकाजी लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है, जबकि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के CCDC प्रोफेसर KM सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय में BA, MA एवं अन्य कोर्स के लिए सीमित सीट होता है, लेकिन इग्नू में सीमित सीट की बाध्यता नहीं है। मौके पर डॉक्टर OP तिवारी, प्रोफेसर माला सिन्हा समेत कई शिक्षक और छात्राएँ मौजूद थी। यहाँ पे आज हम लोग इग्नू से, मैं डॉक्टर सारा नसरी जूनियर डायरेक्टर और मेरे साथ मेरे कलीग डॉक्टर OP तिवारी आए हैं SM कॉलेज में, और इग्नू के जो विभिन्न कोर्स प्रोग्राम्स हैं, जिनके जो कोर्सेज हैं हमारे यहाँ चल रहे हैं, उसके प्रमोशनल कैंपेन के तौर पे आए हैं, ताकि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बता सकें और जो टीचर्स हैं उनको भी बता सकें कि इग्नू में क्या क्या कार्यक्रम हैं जिनके साथ वो जुड़ सकते हैं। रेगुलर मोड के साथ बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जिनके साथ वो जुड़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सर्टिफिकेट कोर्स है, फंक्शनल इंग्लिश का कोर्सेज है, जो बच्चे स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं या कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, उस तरह के कोर्सेज हैं जो स्किल बेस्ड हैं। राजभवन द्वारा तिलका मांझी भागलपुर में नए कुलपति की अधिसूचना जारी किए जाने के बाद जहां विश्वविद्यालय के अधिकारियों के इस्तीफे का सिलसिला जारी था, वहीं मंगलवार को कुलपति प्रोफेसर विभास चंद्र झा ने पूर्व में पद छोड़ चुके दो अधिकारियों को फिर से वापस बुला लिया। हम आपको बता दें कि प्रभारी कुलपति प्रोफेसर लीला चंद्र साहा के जाने के बाद निजी कारणों का हवाला देते हुए लीगल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजेश तिवारी और CCDC प्रोफेसर KM सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। वहीं मंगलवार को फिर से दोनों अधिकारियों को उसी पद पर योगदान देने की अधिसूचना विश्वविद्यालय प्रशासन ने जारी कर दी है। महागामा के विश्वास खानी पंचायत नरोत्तमपुर गांव में मंगलवार को जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष हारून रशीद ने किया। इस दौरान जेडीयू जिलाध्यक्ष चंद्रधर सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को तैयारी में जुट जाने का निर्देश दिया। साथ ही महिलाओं एवं युवाओं को सदस्यता अभियान चलाकर पार्टी से जोड़ने का निर्देश कार्यकर्ताओं को दिया। इस अवसर पर मनोज कुशवाहा, महिला नेत्री जया जयंती, युवा जिला अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह सहित दर्जनों जेडीयू कार्यकर्ता मौजूद थे। मुंगेर विश्वविद्यालय के हरि सिंह कॉलेज हवेली खड़गपुर में मंगलवार को कुलपति शिक्षक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर रंजीत कुमार वर्मा ने की। इस दौरान RS कॉलेज एवं हरि सिंह कॉलेज के शिक्षकों से कुलपति ने सीधा संवाद किया और कॉलेज के साथ विश्वविद्यालय की बेहतरी के लिए आपसी समन्वय से छात्र हित में कार्य करने की बात कही। कुलपति प्रोफेसर रंजीत कुमार वर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ सभी कॉलेज के प्राचार्य, शिक्षक एवं क्रमी
मौजूद संसाधन और बौद्धिक संपदा का उपयोग करें जिसका लाभ छात्र छात्राओं को मिल सके। शिक्षकों ने अपनी समस्या और विश्वविद्यालय की बेहतरी के लिए कई सुझाव दिए। इस मौके पर मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलानुशासक डॉक्टर संजय कुमार भारती, प्राचार्य डॉक्टर अजीत कुमार ठाकुर, डॉक्टर रंजन कुमार, प्रोफेसर चंदन चंद्र, डॉक्टर साहिद रजा जमाल समेत काफी संख्या में दोनों कॉलेज के शिक्षक शिक्षिका मौजूद थे। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। किसान रतन मंडल हत्याकांड का 12 साल बाद आया फैसला, कोर्ट ने 5 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। पदभार ग्रहण करते ही एक्शन में दिखे कुलपति, कई विभागों का किया औचक निरीक्षण, कर्मियों में मचा हड़कंप। भय के माहौल में पढ़ने को बीवस एसएम कॉलेज की छात्राएं, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। बांका में बेखौफ अपराधियों ने सीएसपी संचालिका से 1 लाख रुपए लूट की घटना को दिया अंजाम, जांच में जुटी पुलिस। और भागलपुर में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में लगी आग, 1 लाख रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।